हमारे दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से, किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया, ये रिकॉर्ड अपने सामने आया है। जम्मू और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का मध्य प्रदेश कनेक्शन क्या है, कैसे हरियाणा में मिली बीजेपी को जीत का असर मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर होगा, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लेकिन इसके पीछे मध्य प्रदेश का कनेक्शन भी है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के नेताओं को भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के मैदान में उतारा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरियाणा में 4 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभाएं की थी और उन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरियाणा के दादरी, भिवानी, तोशाम और बवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर चुनावी सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और इस पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जम्मू की सांबा सीट पर भी चुनावी सभा की थी, वहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। लेकिन इस जीत का मध्य प्रदेश में क्या असर होगा, ये भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद अब बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के विजयपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और इन चुनाव नतीजों का असर इन दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि चुनाव नतीजों वाले दिन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के साथ बुधनी के विधानसभा सीट पर पहुंचे थे और वहां पर सलकनपुर लोक बनाए जाने के जो तैयारी है उसका अवलोकन किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक रोड शो भी बुधनी विधानसभा सीट पर किया था। और आज हम बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव विजयपुर विधानसभा सीट पर संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि अब हरियाणा चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी मध्य प्रदेश के दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का परफॉर्मेंस कितना सही हो रहा है। वो बात इसलिए भी उठी है क्योंकि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के दामन में चली गई और इसके बाद एक सीट अमरवाड़ा पर हुआ उपचुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया। ऐसे में अब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए सफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा, इसको लेकर अब कयासों का दौर तेज है। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अब उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरती हुई जरूर नजर आएगी। जनता पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूँ जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेकर आगे चलना। माननीय मनोहरलाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने ज्वाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति,
और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद दे करके ये तय कर दिया कि देश का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है।